एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड, इस समय बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम लोग भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके हो चुके हैं रेडी हल्द्वानी जाने के लिए। फ्रेंड्स, एक काम तो हम लोगों का इजी हो चुका है, बिकॉज अब हमें हेमा दीदी का मोबाइल ठीक कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो घर पर ही ठीक कर दिया है। और अब हम लोग क्योंकि रेडी हो चुके हैं तो हम जाएंगे पक्का हल्द्वानी, और जो हमारे बाकी के काम है वो वाले काम निपटा करके आएंगे हल्द्वानी से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग भी चल रहे हैं हल्द्वानी को। ओके मामी, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, सुबह तक तो मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश हो रही थी, और अब हो चुकी है बहुत तेज़ की धूप। तो चलते हैं आगे रोड पर, करते हैं बस का वेट, देखते हैं कितने देर में मिलती है हम लोगों को बस। हेमा दीदी खुश, घर पर ही उसका मोबाइल ठीक हो चुका है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर तो है लेकिन नाम उड़ गए। तो अब जैसे जैसे इसको फ़ोन कॉल्स आते रहेंगे ये सेव करते रहेगी नंबर, मालूम चलता जाएगा कि किस किस के कॉन्टैक्ट है, बाकी ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है। और उसके बाद में 2000 के बाकी जितने भी फोटोज़ वगैरह हैं वो सब अभी नहीं, मतलब बैकअप नहीं हुए हैं। तो फिर भी देखते हैं उनको कैसे बैकअप किया जाता, होता भी है नहीं होता है। ये घर आकर के करेंगे सारे काम, क्या लगता है होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, सब बैकअप हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस समय मैं और हेमा दीदी हैं बाहर मेन हाईवे में बस का वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी कितने देर में आती है बस। हेमा दीदी तो अब अपने फ़ोन पे ही बिजी है क्योंकि बड़ी मुश्किल से ठीक हो चुका है उसका फ़ोन। तो करते हैं अभी हम लोग बस का वेट। सो फ्रेंड्स, बस भी आ चुकी है तो अब रोकते हैं बस को और चलते हैं बस में। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को भी बस टाइम से मिल गई थी और अभी हम लोग कालाडोंगी पहुँच चुके हैं, और अभी बस यहाँ पर थोड़ा 5-6 मिनट तक रुकेगी बिकॉज ये बस स्टॉप है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और अब सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं डेंटल हॉस्पिटल, बिकॉज अभी डेंटल हॉस्पिटल में हेमा दीदी को अपने दांत दिखाने हैं। तो चलते हैं डेंटल हॉस्पिटल जो कि बगल में ही है बस स्टैंड के। हम लोगों ने यहां से डॉक्टर को दांत भी दिखा लिए हैं, तो हम लोगों का डेंटल हॉस्पिटल से भी काम हो चुका है, और अभी दी अपने लिए ले रही है दवाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ से दवाई भी ले ली है, तो अब करेंगे यहाँ से ऑटो और चलेंगे मार्केट को। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को अपनी पासबुक पर एंट्री करानी थी, तो एंट्री भी हम लोगों ने करा ली है, और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से मार्केट को पैदल पैदल, बिकॉज मार्केट ज़्यादा दूर है नहीं। तो अब हम लोग वहाँ मार्केट जाकर सबसे पहले मोबाइल शॉप में जाएंगे और वहाँ से मोबाइल ठीक कराएंगे अपना। फ्रेंड्स, ये कालाडोंगी चौराहे पर कालूशाही मंदिर है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों का मोबाइल भी ठीक हो चुका है, मोबाइल ठीक करा लिया, पूरे 2-3 घंटे लगे ठीक होने में। और अब चलते हैं मार्केट के अंदर को, और अब सबसे पहले जाएंगे जूलियट पार्लर बिकॉज दी को अपने बाल कटवाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हल्द्वानी की मार्केट, हम लोग मार्केट के अंदर आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग हैं जूलियट पार्लर में और दी करा रही है अपनी लेयर कटिंग्स। भैया काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं कटिंग, इसीलिए हम लोगों को जब भी कटिंग्स वगैरह कुछ कराना हो तो हम लोग जूलियट पार्लर में ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, जूलियट पार्लर कारखाना बाजार में है। हम लोगों का ऑर्डर, और अभी हम लोग खा रहे हैं चाउमीन। डेंटल हॉस्पिटल का भी काम हो गया है और मोबाइल भी ठीक हो चुका है, हेयर कटिंग भी हो गई है, तो अब भूख वगैरह लग गई है इसीलिए अब चाउमीन वगैरह खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों की शॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है, अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ से फ्रूट्स। यहाँ से हम लोगों ने मैंगो ले लिए, घर चलते चलते फ्रूट्स लेते हुए चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हो चुका है हम लोगों का भी हल्द्वानी मार्केट से सारा काम, हम लोगों की भी सारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, और हम लोग यहाँ से भी ऑटो करेंगे लालडंग बस स्टेशन तक के लिए।
सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं 7:30 और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं हल्द्वानी से। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी लेट हो गया हल्द्वानी में। सबसे ज़्यादा टाइम तो मोबाइल के शॉप में लगा, इसीलिए काफ़ी लेट हो गया है। और यहाँ तो बारिश की बूंदाबांदी हो रखी है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर। तो फ्रेंड्स, मम्मी तो बाहर ही बैठे हुए हैं, मम्मी हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। आज मम्मी सुबह से घर पर अकेले थे और बिजलू साथ में, बिजलू रो रहा है, आवाज़ आ रही है उसकी, आ नहीं रहा है बाहर को, आ नहीं रहा है अलसी। मम्मी का फ़ोन भी आ गया। फ्रेंड्स, यहाँ तो मौसम अच्छा हो रखा है, वैसे सुबह से ही आज मौसम ठीक था, दिन में बस थोड़ी सी धूप आ गई थी, अदरवाइज मौसम अच्छा हो रखा है। यहाँ तो बूंदाबांदी हो रही है। बिजलू, तो फ्रेंड्स बिजलू भी आ गया है दूध पी करके बाहर। सुबह से कहाँ था तू बिजलू, कहाँ है नजर, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारी चीजें लेकर के आ रखे हैं आज, क्योंकि गए थे हम हल्द्वानी, तो साथ ही साथ शॉपिंग वगैरह भी कर ली और जो जो चीजें अच्छी लगी वो हम लेकर के आ गए। तो मम्मी को एक एक करके दिखाते हैं सारी चीजें और डिनर करेंगे इसके बाद। तो फ्रेंड्स, फटाफट से दिखा देते हैं मम्मी को सामान, क्योंकि भूख भी लग रही है और डिनर भी करना है। सो फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ अपने लिए छोटा सा मेकअप किट, बिकॉज कभी यहाँ वहाँ ट्रेवल करेंगे तो पर्स में रखने के लिए इजी और कंफर्टेबल रहता है। तो मेरे पास सब बड़े वाले थे जिसको पर्स में नहीं रख सकते, तो फ्रेंड्स अब मैं इसे इजीली अपने पर्स में रख सकती हूँ। देखो, इसमें आई शेडो है इतने सारे, और इसमें दो प्रकार के फेस पाउडर है, और इसमें बल्सर है। इतने छोटे में सारी चीजें है, ये छोटा सा मेकअप किट है बट महंगा है। अब ये मेरे पर्स में आराम से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं 8:00 और हम लोगों का डिनर बन करके हो चुका है तैयार। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने बना रखा है आज डिनर, और डिनर में मम्मी ने बना रखा है आलू की दाल और चावल। बिकॉज फ्रेंड, हम लोगों ने दिन में आज लंच नहीं करा था, क्योंकि हम तो हल्द्वानी मार्केट में गए हुए थे, तो फिर चावल नहीं खाया था हमने। तो जब तक हम चावल नहीं खाते, हमें खाया जैसा लगता नहीं है, तो इसीलिए मम्मी ने हम लोगों के लिए बना दिया है दाल चावल। तो फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।